अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो वो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, यूरिया प्रिपरेशन, मेटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, और जो है इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ होते हैं। तो इस ये जो है इसका फार्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये जो है डेका हाइड्रेटेड होता है। डेका हाइड्रेटर क्यों? क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, ठीक है, एंट्रेप्ड होते हैं, या हम इनको वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं, तो इसलिए हम इसको डेका हाइड्रेटेड कहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल इसके होते हैं। इसको सबसे पहले जो चीपेस्ट मेथड दिया था हमें ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो वो थे सर अर्नेस्ट साल्वे। इसलिए इस के जो प्रिपरेशन का मेथड है उसको हम साल्वे प्रोसेस कहते हैं, सर अर्नेस्ट साल्वे के नाम से उसको याद किया जाता है। और ये जो था एक बेल्जियन केमिकल इंजीनियर था, तो उसने सबसे पहले लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा की हमें मेथड दिया था, हमें प्रोसेस दिया था, प्रोसीजर दिए थे, और इसने चीप रॉ मटेरियल को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। और हमारे पास जो चीप रॉ मटेरियल ज़्यादातर जो हमारे बेसिक यूज़ होंगे वो है लाइमस्टोन और वाटर, ये दो हमारे बहुत ज़्यादा, और साथ साथ अब दूसरा जो तीसरा जो चीपेस्ट वो है साल्ट, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट भी कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये तीनों जो हैं क्या हैं, बहुत चीपेस्ट सोर्सेज हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। वाटर तो चलो उसको तो बिल्कुल मैं स्किप कर देता हूँ। तो जो दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास हैं यानी लाइमस्टोन और सोडियम क्लोराइड, तो ये भी क्या हैं, बहुत सस्ते हैं, चीप प्राइस में मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो उसने फोर्थ वन यूज़ किया था वो था अमोनिया। अब अमोनिया आप लोग कहेंगे कि बहुत महंगा है, ठीक है, तो ये कैसे चीपेस्ट मेथड हो गया, क्योंकि अमोनिया जो है वो वाकई कास्टली है और कीमती है। तो ये जो है इसको हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन फिर हम इसके आखिर में आप जब फ्लो शीट डायग्राम वो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसको हम दोबारा रिकवर कर लेते हैं और रीयूज़ कर रहे होते हैं। तो ये रिकवर हो सकती है और रीयूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके रॉ मटेरियल में तो है लेकिन ये रिसाइकलेबल है। तो मेन जो है हमारे ये तीन है, क्योंकि ये रिसाइकलेबल नहीं है और यही डिसाइड करते हैं कास्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो ये सारे चीप सोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल हैं, तो इसलिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो चीप प्राइस में हमें मिल जाता है। तो आते हैं हम रॉ मटेरियल की तरफ, कि रॉ मटेरियल हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिपरेशन इसकी पढ़ेंगे उन रॉ मटेरियल से स्टेप बाय स्टेप। तो रॉ मटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वे प्रोसेस वो फोर हैं। नंबर वन टेबल साल्ट, ठीक है, नंबर टू लाइमस्टोन, सही है, नंबर थ्री अमोनिया, यानी NH3, और नंबर फोर जो है हमारे पास वो क्या होगा, वाटर।
तो ये चार रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे इन होल प्रोसेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम पढ़ते हैं कि तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो हम वाटर में NaCl को डिसॉल्व करते हैं और जब हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बना लिया या ब्राइन हमने बना लिया, उसके बाद जो स्टेप है सेकेंड वन वो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। इसको जब हम बना लेते हैं तो इसको हम एक कोनिकल फ्लास्क हमारे पास टावर होता है तो उसमें से हम अमोनिया को पास करते हैं तो उसकी पास पैसेज की वजह से वहाँ पर एब्जॉर्बर अमोनिया एब्जॉर्बर लगे होते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसको अमोनिकल ब्राइन कहते हैं। यानी अमोनिया इसमें एब्जॉर्ब होकर आपके सॉल्यूशन बना कर दे रहे थे तो वो हम यानी NH3 और प्लस NaCl सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अमोनिकल ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये बन जाए अब यहाँ पर हम इसको फ़िलहाल स्टॉप कर देते हैं। अब हम दूसरी चीज़ें बना कर देते हैं, फिर हम चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो होती है तीसरा स्टेप प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम भी इसको कहते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हम इसको कैसे बनाते हैं? हम जो लाइमस्टोन हमारे पास था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं। तो जब हीट होती है तो उससे हमारे पास उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है इनटू स्लेग लाइम कैल्शियम ऑक्साइड यानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास आ गए। अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? इसको आगे पास करते हैं अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में से और फिर उसके आगे रिएक्शन होते हैं और इसको हम इस स्टेप पर क्या कर लेते हैं? इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अभी तक हमने क्या क्या बनाए? जो मेन हमने अमोनिकल ब्राइन बनाया, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ गई और उसके अलावा प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया? कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड। तो यहाँ पर इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेप जो है हमारा कार्बोनेशन स्टेप, कार्बोनेशन
अब कार्बोनेशन किसके होती है, ऑफ अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। तो प्यार स्टूडेंट, जो कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया में से, यानी जो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन था उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अमोनियम कार्बोनेट इसको हम हीटिंग भी इसके करते हैं तो तब ये रिएक्शन होता है इन तीनों के दरमियान, यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान। फिर इसको हम आगे लेकर जाते हैं और NaCl और जो हमारा इधर अमोनियम कार्बोनेट बना था उसके दरमियान रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो इसलिए हम इसको लोअर टेम्परेचर पर करते हैं, यानी टेम्परेचर ऑफ टावर हम लोअर कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट और प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये हमारा टारगेट की तरफ हमें ले जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन। और इसको हम जो दूसरा नाम देते हैं वो बेकिंग सोडा, क्योंकि ये बेकरी आइटम्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो खाने का सोडा या मीठा सोडा आप लोग कहते हैं अपनी ज़बान में, तो ये वो है, ठीक है। अब इसके बन गया तो इसको हम इन जितना या अमोनिकल ब्राइन है या सोडियम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो इससे हम इसकी क्या करनी है, फिल्ट्रेशन करनी है। तो ये प्रेसिपिटेट होकर आ जाएगा, तो इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किस टाइप की तरफ ले जाएंगे इसको, तो ये नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म है। तो अब इसको फिल्ट्रेशन इसकी कर देंगे, फिल्ट्रेशन टावर में से पास कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्योर वो बाई सोडियम बाई कार्बोनेट प्यारे बच्चों आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने प्योर फॉर्म में लाना है, जो सोल्यूशन है उसमें से इसको फिल्ट्रेशन करनी है इसकी। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वो है, जो हमारा मेन टारगेट था, तो उसकी तरफ हम जाते हैं। तो हमारा जो सिक्स स्टेप है जो जिसमें हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं, तो वो है कैल्सिनेशन स्टेप। तो कैल्सिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हम करते हैं इस स्टेप में, और इस स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको फीड अप करते हैं कैल्सिनेटर टावर में। तो वहाँ पर उसको हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, और उस हीटिंग की वजह से जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हो जाती है और वाटर भी साथ बन जाती है, ठीक है। अब इसको हम क्या था हमारा, ये टारगेट था क्या था, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। तो ये हमारा अब टारगेट अचीव हो गया है, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है। तो सिक्स स्टेप के बाद जो हम सेवन स्टेप करते हैं
वो है, मैंने कहा था हमारा जो इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे कॉस्टली रॉ मटेरियल है वो है अमोनिया। तो उसको हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, ताकि ये जो कास्ट हमारे इस पूरे साल्वे प्रोसेस का है ये क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, लोअर डाउन हो जाए, हमारे पास क्या हो जाए, दोबारा हम इसको रिसाइकल और दोबारा हम प्रोसेस को रिपीट कर सकें, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास अमोनिया किस फॉर्म में आखिर में आ गया था, NH4Cl, ठीक है, सोडियम का क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में, और हमारे पास जो स्लेग लाइम था उसका हमने वाटर में उसको डिसॉल्व किया था हीटिंग पर, तो उससे क्या बना था, स्लेग लाइम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों का हम रिएक्ट करवाते हैं हीटिंग, ठीक है, अमोनिया रिकवरी टावर में, और फिर हमारे पास क्या बन जाते हैं, अमोनिया बन जाता है दोबारा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और वाटर। तो ये हमारा अमोनिया रिकवर हो जाता है और इसको दोबारा हम इस प्रोसेस में ले आते हैं, यानी शुरू से फिर स्टार्टअप से अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन के बनाने में दोबारा हम इस्तेमाल इसको कर लेते हैं और ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये जो है, अगर हमारा कास्टली अमोनिया था तो वो भी रिकवर हो गया, उसको दोबारा हमने रिसाइकलिंग उसकी हो जाती है इस पूरे स्टेप में और दोबारा यूज़ हो जाती है, और फिर जब आखिरी स्टेप में हम आते हैं नेक्स्ट उसके, ठीक है, साल्वे प्रोसेस, तो फिर दोबारा हम उसको यूज़ कर लें। तो ये सारा साल्वे प्रोसेस हो गया, इसमें आप लोगों ने देख लिया जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुए वो सारे के सारे क्या थे, चीपेस्ट रॉ मटेरियल थे, और जो कास्टली रॉ मटेरियल था यानी अमोनिया था तो वो भी रिकवर हो जाता है इस स्टेप में, यानी उस रिसाइकल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा साल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आते हैं हम किसकी तरफ, फ्लो शीट डायग्राम ऑफ साल्वे प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हमने ब्राइन सॉल्यूशन जो बनाया था उसमें से हम उसको ले जाते हैं अमोनिया एब्जॉर्बर टावर की तरफ, वहाँ हम उसमें से अमोनिया पास करते हैं तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। उस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को हम ले आते हैं कार्बोनेशन टावर की तरफ। तो कार्बोनेशन टावर में हम रिएक्शन करवाते हैं किसके दरमियान, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के दरमियान, पहला स्टेप। तो उस जब रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का तो हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है, और उस अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन था उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, और वहाँ पर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फिल्टर करते हैं और उसको फिर आगे कैल्सिनर की तरफ ले आते हैं और वहाँ पर उसकी कैल्सिनेशन करवाते हैं, यानी हीट उसको करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास सोडा ऐश यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, जो हमारा टारगेट था, या इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब आते हैं हम साइड वाइज स्टेप की तरफ। हमने लाइमस्टोन लिया था, लाइमस्टोन को हम जब हीट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है फॉर द कार्बोनेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, और उसके साथ स्लेग लाइम भी बनता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम कहाँ ले जाते हैं, अमोनिया रिकवरी टावर की तरफ ले आते हैं, वहाँ पर हम हीटिंग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जो हमारे पास कार्बोनेशन टावर में बना था, ठीक है। तो उसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हीटिंग उन दोनों को करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास अमोनिया दोबारा रिकवर हो जाता है और कैल्शियम क्लोराइड भी बन जाता है। तो अमोनिया को दोबारा हम अमोनिया एब्जॉर्बर टावर की तरफ ले आते हैं अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये सारा क्या हो गया, फ्लो शीट डायग्राम ऑफ साल्वे प्रोसेस। और आप देख लें तो ये हमारे साथ जो इंडस्ट्रियल स्केल पर उसकी
जो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस की सारी स्ट्रक्चर है, टावर्स हैं मुख्तलिफ, तो वो भी आप साथ देख लें, उनकी भी हम पिक्चर मैं दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।